हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। वुमेन्स T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज शुरू हो चुकी है, तो आज से दो मैचेस एक टाइम पर ही खेले जाएंगे। मतलब पहला मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स, और फिर उस मैच के बाद होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स का मैच। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों मैचेस होंगे, तो दोनों के दोनों मैचेस मैं इसी वीडियो में दूंगा, क्योंकि सेम ग्राउंड पर होने वाले हैं और टाइम में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो बनता नहीं है कि दो वीडियो में बनाऊं, इसलिए एक ही वीडियो में सारी बातें आपको बता दूंगा, कौन कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ड्रीम इलेवन टीम रहेगी। तो बने रहना, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करना। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, अभी मैं बना रहा हूँ, शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है वीडियो। तो शुरू करते हैं। जो मैच होने वाला है वो होने वाला है टोंटन पर, जो कि सोमरसेट का होम ग्राउंड है, द कॉपर एसोसिएट काउंटी ग्राउंड भी इसको बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल मैचेस हुआ था, जो कि शायद 2017 में हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंग्लैंड ने शायद वाला मैच जीत लिया था, तो उसमें 174 रन्स किए थे यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में, और 171 रन्स हुए थे सेकंड इनिंग में। तो इतने ही स्टैट्स निकल के आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे स्टैट्स निकाले जा सकते थे पीछे से पिछले साल के, पर इतना टाइम नहीं था, इसलिए जो भी है वो है इतना ही। क्योंकि जो टोंटन का ग्राउंड है, यहाँ पर रन्स बनते हैं, ठीक ठाक रन्स बनते हैं, तो 160-170 के करीब आप सोच सकते हो कि रन यहाँ बन जाएंगे। अब जो मैच में बारिश होने वाली है वो थोड़ी कम होगी, स्कैटर्ड रेन होगी, तो एक किसी टाइम पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तो ज़्यादा मैच में खलल नहीं आएगा। अब यह जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि है इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, तो मैं आपको बोलूँ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स तीनों टीमों के बारे में है। यहाँ पे तीनों टीम की प्लेइंग 11 आपको मिलेगी, क्योंकि जो मैच है वो तीन टीम के बीच में होने वाला है, और पहला मैच होगा, फिर दूसरा मैच होगा। ऐसा आपने पहले भी एक बार देखा होगा, ऐसा सेम नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा नेटवेस T20 ब्लास्ट का जब फाइनल होता है, तो एक दिन के अंदर वो तीन मैच कराते हैं, जो कि पहले दो सेमीफाइनल होते हैं, जो दो टीम जीती है वो फाइनल खेलती है उसी दिन रात को। तो ऐसा ही कुछ है, पर यहाँ पर एक टीम दो मैच बैक टू बैक खेलेगी, जिसमें टाइम बिल्कुल कम होगा। तो फिर भी आपको बता दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, डैन वैन निकर्क साउथ अफ्रीका की जो कैप्टन है वो रहेंगी, सोफी डिवाइन क्योंकि अच्छी खासी थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेती है, तो बहुत अच्छी ऑलराउंडर सोफी डिवाइन को आप कह सकते हो कि हाँ एक बहुत अच्छी पिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें विकेट कीपर सारा टेलर, सूजी बेट्स जो कि कैप्टन है न्यूजीलैंड की, कैथरीन ब्रंट अगर हम देखें तो यहाँ से इंग्लैंड की, लिजल ली की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, विकेट कीपर है साउथ अफ्रीका की, कैस्पर्क अगर मैं बोलूँ न्यूजीलैंड की, और ओयबोंगा खाका। तो ये जो है ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। खाका इसलिए बोलूंगा कि लास्ट मैच अगर लास्ट सीरीज अगर हम देखें इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली, उसमें इन्होंने हाईएस्ट विकेट इन्होंने लिया, शायद 7 विकेट इन्होंने तीन मैच में ली थी, तो आप कह सकते हो खाका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है। शबनम इस्माइल भी हैं इनकी बॉलर साउथ अफ्रीका की, जो बहुत अच्छी बॉलर साबित हो सकती है। अब प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं, तो बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 होने वाली है इंग्लैंड की, जो लास्ट मैचेस में खेली हुई, आप यूज टू हो गए होंगे लास्ट तीन मैचेस से मैं आपको टीम देता आया हूं, तो वही सेम 11 होने वाली है। एक चेंज हो सकता है जो मैं बता रहा हूं, डेनियल वाइट एमी एलन जोन्स की जगह ओपन कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया में 100 बनाई है T20 में उन्होंने, और बहुत अच्छी T20 की प्लेयर है, हिटर बहुत अच्छी है, तो एक चांस ये बन सकता है कि डेनियल वाइट वापस ओपनिंग करने आए। तो इस प्लेयर को एक ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो एक में कैप्टन जरूर बना देना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके लिए, हो सकता है बाकी आपके सामने रहेगा वही एमी एलन जोन्स हो सकती हैं शायद, या फिर डेनियल वाइट। टेमी बाउंड लास्ट दो मैच में 200 रन की, सारा टेलर ने भी 100 बनाई है, हैदर नाइट ने भी लास्ट मैच में परफॉर्म करा, नेटली सीवर को उतना मौका नहीं मिला लास्ट मैच में अगर हम देखें, डेनियल वाइट, कैथरीन ब्रंट, जॉर्जिया एल्विस, श्रबसोल होंगे, फिर लॉरा मार्श, फिर यहाँ पर होंगी सोफी एकलस्टोन जो कि बहुत अच्छी स्पिनर हैं। साउथ अफ्रीका की टीम अगर हम देखें तो ये भी बिल्कुल सेम रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम नोटाजाके को हटा के यहाँ पे आप एम क्लास आप कर सकते हो, क्लास खेलेंगे, ज़्यादा चांसेस क्लास के खेलने के हैं, तो बाकी टीम वही रहने वाली है, लिजल ली, लॉरा वॉलवार्ड, स्टेन हो सकती हैं, मेनन डुप्रीज हो सकती हैं, फिर यहाँ पे होंगे डैन वैन निकर्क, श्लोइड ट्रायन थोड़ा सा ऊपर भी आ सकती हैं बैटिंग करने, हिटिंग करने, तो इनको भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हो सकती है। मैरिजेन कैप, सुनील लूस को सातवें नंबर पे हम कर देंगे, मैरिजेन कैप को थोड़ा नीचे करेंगे। सुनील लूस ऐसा भी हो सकता है स्टेन की जगह तीसरे नंबर पर आए, क्योंकि एक जो मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था, जो सीरीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले ही, उसमें एक मैच में उन्होंने अच्छा खासा रन भी करे थे नंबर तीन पर आकर के। शबनम इस्माइल ओयबोंगा खाका, और यहाँ पर आप क्लास कर देना, क्लास खेलेंगे 11वें नंबर पर, तो ये टीम रहने वाली है साउथ अफ्रीका की। अब न्यूजीलैंड की टीम देख लेते हैं क्या रहेगी, तो न्यूजीलैंड की टीम होने वाले सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन, केटी मार्टिन जो कि विकेट कीपर होंगी इनकी, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, एमी स्टटरवेट, मैडी ग्रीन, एमिलिया कार यहां पे होंगे, कैस्पर ताहू होंगे, फिर होंगे पीटरसन जेंसन,
रो या हडलस्टोन में से कोई एक खेलेगा, तो ये आपकी टीम रहने वाली है। शायद थोड़ा सा नीचे यहाँ बॉलिंग में एक दो चेंजेस हो सकते हैं जो कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको मौका दे सकता है। वैसे जो विकेट कीपर हैं इनको मेरे हिसाब से शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि केटी मार्टिन इनकी बेस्ट विकेट कीपर आप तरह से बोले बेस्ट चॉइस होंगी। जेस वेटकिन एक लास्ट में अगर हम कुछ मैचेस देखोगे जो आयरलैंड से सीरीज चल रही थी तो शायद ओपन कर रही थी, तो सोफी डिवाइन शायद मुझे लगता है ओपन करने ही आएंगी ऊपर, तो ये चांस बन सकता है। अब चलते हैं सीधा ड्रीम इलेवन की तरफ और दोनों टीमें मैं आपको दे देता हूँ। तो शुरू करते हैं पहले साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाली टीम के साथ। तो यहाँ पर एक बार टीम आपको बनाकर दिखा देता हूँ, तो क्या टीम रहने वाली है। लिजल ली को मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, केटी मार्टिन को आप ले सकते हो अगर समझाऊंगा कैसे लेना है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हो जाएंगी आज के मैच के लिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इनको लिया और बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर देती हैं ये। अगर आप क्योंकि लगभग अगर मैं आपको ये बोलूं लिजल ली नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल फॉर्म में चल रही हैं, बहुत रन कर सकती हैं, साउथ अफ्रीका की लौती बहुत ज़बरदस्त प्लेयर आप कह सकते हो। और प्लेयर्स देखो कितने यहाँ पर 86% लोगों ने इनको लिया हुआ है, यहाँ पर 58% उन्होंने लिया क्योंकि इनकी टक्कर में सारा टेलर है इसलिए 58% है, बाकी आप देख सकते हो 86% लोगों ने लिया है। ओपन करने आएंगे अगर कोई एक बॉल अच्छी गिर गई और ये अंडर 10 रन आउट हो गई या जीरो पे भी आउट हो गई, तो फिर जो केटी मार्टिन का ऑप्शन आपके पास रहने वाला है बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन रहने वाला है, बहुत अच्छा ऑप्शन वो बन जाएगा और बहुत ज़्यादा एक तरह से हमको बेनिफिट मिल जाएगा। अब अगर हम आगे चले, 5 बैट्समैन मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, आपको क्रेडिट का बहुत दिक्कत होगी नो डाउट इस वाले मैच में, क्रेडिट की बहुत दिक्कत होगी दोनों मैचेस में, इंग्लैंड वाले में भी दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कोई प्लेयर ऐसा होगा जो आपको बड़ा प्लेयर है जो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने लिया सुजी बेट्स, एमी सेटरवेट को लिया हुआ है, यहाँ से अगर हम देखें लॉरा वॉलवार्ड को लिया हुआ है, स्लोए ट्रायन को लिया हुआ और मैडी ग्रीन को लेना पड़ा क्योंकि 8 क्रेडिट थे कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करने ही थे। अब दो ऑलराउंडर जो मैंने लिए हैं डैन वैन निकर्क हैं और एमिलिया कार हैं, तो एमिलिया कार को लिया हुआ यहाँ से। सोफी डिवाइन को आप ले सकते थे अगर एक पॉइंट बचा लो, तो वो एक पॉइंट कैसे बच सकता है, वो एक पॉइंट बच सकता है आपके पास यहाँ से केटी मार्टिन को लेकर के, तो ये भी आप चांस ले सकते हो बना सकते हो क्योंकि सोफी डिवाइन ओपन करने आ सकती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। अगर चाहो तो मैरिजन कैप को ले सकते हो जो इनकी बैटिंग थोड़ी नीचे आएगी पर बॉलिंग बहुत अच्छी करेंगी, तो एक चांस ये बनेगा आपके लिए। अगर हम देखें यहाँ से तीन बॉलर जो मैंने लिए, ये बहुत अच्छी बॉलर है इनकी, न्यूजीलैंड की एक तरह से बेस्ट बॉलर आप सर कह सकते हो, कैस्पर्क को, तो कैस्पर्क को मैंने लिया हुआ है यहाँ से, ताहूहू को लिया हुआ है मैंने और यहाँ से लिया है ओयाबोंगा खाका को नीचे से, तो तीन मेन बॉलर्स मैंने लिए हुए। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्माइल को ले सकते हो, फिर यहाँ से आप चाहो तो फिर ये दोनों प्लेयर आपको हटा करके नीचे से एक क्लास लेना पड़ेगा या फिर क्लास को लेना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो कि बेस्ट ऑप्शन हो सकते थे उनको लिया है, शबनम इस्माइल को छोड़ा हुआ है यहाँ पर। तो नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ से लिया हुआ है सुजी बेट्स को कैप्टन बनाया हुआ है अच्छा, और लिजल ली को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ से बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा डैन वैन निकर्क, एमिलिया कार आपने देखा होगा कि 200 भी बनाया उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करती हैं पर थोड़ा नीचे बैटिंग करने आएंगे, इसलिए इनको आप, इसलिए मैं T20 क्रिकेट में ज़्यादातर बोलता हूँ जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो बैट्सवुमन खैर यहाँ पर बोला जाएगा, तो उनको ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो इसलिए सुजी बेट्स और लिजल ली को मैंने बनाया हुआ है। ऑप्शंस बता देता हूँ, देखिए ये दो प्लेयर हैं जो हमेशा से फॉर्म में रही हैं, लिजल ली आपने देखा होगा पहले दो मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करा इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो ये अच्छा ऑप्शन है। स्वेटर वेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक तरह से कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा रन कर सकती हैं। अब चाहो तो यहाँ से डैन वैन निकर्क को बना सकते हो जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी। अब चलते हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच की तरफ, जो कि लगभग 4 घंटे 40 मिनट बाद शुरू होगा, तो मतलब लगभग 3-3.5 घंटे का तो मैच T20 एक मैच चलता है, तो लगभग आधा घंटा मैक्सिमम मिलेगा इन दोनों टीमों को थोड़ा सा रेस्ट करने का, खास तौर से साउथ अफ्रीका की टीम को रेस्ट करने का, क्योंकि न्यूजीलैंड का मैच तो नहीं होगा। अब शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि मैच मैं पहले ही दे रहा हूँ, कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आ जाना या फिर फेसबुक पेज है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, फेसबुक पेज नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ट्विटर अकाउंट भी है उसको भी फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मैंने सोशल मीडिया पर दिए हुए हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ क्या टीम मैंने बनाई है। देखो अगर यहाँ पर पहले मैच में देखो, ये थोड़ा बहुत आपको जो कहते हैं सुपरस्टिशन वो भी कभी ना कभी यहाँ पर अपनाना होता है, अगर मान लो कि पहले मैच में लिजल ली नहीं चलती है तो दूसरे मैच में उनको कंफर्म ले लेना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि दोनों मैचों में फ्लॉप हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेयर है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले मैच में अगर नहीं चलती तो दूसरे मैच में ज़रूर ले लेना, अगर पहले मैच चल जाएंगी तो फिर आप चाहो तो सारा टेलर को ले सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ आप क्या लेने वाले हो। तो ये जो वाली टीम है, ये वाले
इससे पहले एक मैच हो चुका होगा तो आप वाला मैच देख रहे होंगे, फिर ये वाली टीम एडिट आप उस टाइम पर भी कर सकते हो कि कैसा मैच बीतता जा रहा है, क्योंकि कौन से प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्लेइंग 11 खेली, ऐसा भी हो सकता है प्लेइंग 11 चेंज हो जाए क्योंकि 15 वुमेंस का स्क्वाड दिया गया है तो चेंजेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से भी इस टीम में आप एडिट कर सकते हो। तो पहले मैच से देख करके थोड़ा बहुत एडिट कर लेना। यहाँ से मैंने लिया हुआ है टैमी बमाउंट को, लॉरा वॉलवार्ड को लिया हुआ है जो कि अच्छी खासी ओपनर है, हैदर नाइट और क्लोई ट्रायन को, श्लोई ट्रायन को लिया हुआ है मैंने यहाँ से। चाहो तो मेनन डुप्रीज को ले सकते हो जो कि अच्छी बैटिंग साबित कर सकती हैं आपके लिए। दो ऑलराउंडर डैन वैन निकर्क और नेटली सीवर को मैंने यहाँ से लिया हुआ है ऑप्शन आपके लिए। मारिजन कैप रहेगा, सुनेलूस अगर चाहो तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन उनको आप बना सकते हो। चार बॉलर मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, चार बॉलर जो है वो है कैथरीन ब्रंट, आयाबोंगा खाका, श्रब सोल को लिया हुआ और नीचे से मैंने 8 क्रेडिट वाले लिया है एकलस्टोन को जो कि बहुत अच्छी स्पिनर है। तो ये टीम है, अब नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पे। तो डैन वैन निकर को यहाँ पे मैं कैप्टन बना रहा हूँ और वाइस कैप्टन मेरी टैमी बमाउंट रहने वाली है। तो नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये वाला जब आप टीम खेल रहे होगे तो आपको पता चल जाएंगे कि कौन से प्लेयर पिछले मैच में खेले हुए हैं, कैसा खेले हैं, क्या करा है, तो वाला मैच ध्यान से देखना, कोशिश करना कि पूरा मैच देखो, नहीं तो कहीं ना कहीं क्रिक बस पे चेक कर लेना कि किस प्लेयर ने क्या क्या रन करें, तो वो सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखना। अब ऑप्शंस बता देता हूँ क्या रहने वाले हैं आपके लिए। लिजल ली ऑप्शन रहेगा, अगर सारा टेलर लोगे तो सारा टेलर भी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन का रहने वाला है। नेटली सीवर शायद थोड़ी बहुत बॉलिंग करें एक ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप चाहो तो ये प्लेयर ग्रैंड लीग में मत छोड़ना, एक बार तो कैप्टन जरूर बनाना डैनियल वाइट को, क्योंकि उन्होंने 100 बनाई हुई इंडिया के अगेंस्ट, ओपन करते हुए बनाई थी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है डैनियल वाइट को कैप्टन एक मैच में जरूर बनाना अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो, क्योंकि ओपन करने आ सकती हैं और रन कर सकती हैं। अगर चाहो तो नीचे से यहाँ पे एमी एलन जोन्स को भी बना सकते हो क्योंकि ये भी बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, T20 में एग्रेसिव प्लेयर, शतक भी बना सकते हैं आपको पता है। अब इतना ही था इस वीडियो में, नेक्स्ट करके एक बार प्रीव्यू और देख लो। तो इतना ही था इस वीडियो में, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो को शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।